आज मैं आपके साथ ये काजू मटर और मखाने की पोस्ते दाने वाली सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। और ये सब्जी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ बनके रेडी होती है। इसको बहुत ही डिफरेंट मसालों के साथ मैंने बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए इस टेम्पटिंग से सब्जी की रेसिपी को देख लेते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काजू मटर मखाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें ये 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ये 1 बोल मखाने ऐड करेंगे। मखानों को बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करना है। मखाने हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसे इन कढ़ाई में ये 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। और इसमें यहाँ पे मैंने ये 1/2 बोल काजू लिया है। इनको लाइट गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना है। काजू भी हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं, बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। इसको भी निकाल लेंगे। अभी सेम कढ़ाई में मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी ऐड किया है। उसमें ये 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, नॉर्मल जीरा है। और उसमें ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, वो ऐड करेंगे। छोटा सा तेज़पत्ता है, 1/2 चम्मच शाह जीरा है, छोटी इलायची है 3 से 4, दालचीनी का टुकड़ा है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, 4-5 काली मिर्च है और 3 लौंग है, इसको भी ऐड कर देंगे। बस हल्का सा रोस्ट करना है इनको। खड़े मसाले हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अभी इसमें ये 1 प्याज है जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको भून लेना है। ये देखिए, प्याज जो है वो हल्के से भुन गए हैं। अब इसमें 2 छोटे साइज़ के टोमेटो हैं जिसको कि मैंने कट कर लिया है और ये ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे जिससे टोमेटो जो है वो जल्दी से गल जाए। और इनको ढक देंगे जिससे टोमेटो जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, टोमेटो जो है वो बिल्कुल मशी हो गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा करके इनका पेस्ट बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब इसमें ये 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी आप एक बार ऐड करके ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये सब जो शादी ब्याह में सब्जियां बनती हैं वो बहुत ही रिच रहती है, तो कभी कभार इस तरह से बनाया जा सकता है। अब इसमें ये 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। और जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं तब तक एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच इस चम्मच से मगज लिया है और 2 चम्मच ही पोस्ता दाना लिया है। इन दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। इनको मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पोस्ता दाना जो है वो नहीं पिसेगा, तो इसलिए पहले थोड़ा सा पानी डालना है, फिर थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब चलिए मसाले को चेक कर लेते हैं। अदरक लहसुन 2 मिनट के लिए भुन गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अभी इस स्टेज पे जो हमने मगज और पोस्ता दाना का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से भून लेना है। जब तक कि तेल जो है इनमें से सेपरेट होना शुरू ना हो जाए तब तक इनको भून के रेडी कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, मगज और पोस्ता दाना का जो पेस्ट था वो अच्छे से भुन गया है। अब इनमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इनको सबसे पहले भुनना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी भुन जाती हैं। और प्याज टमाटर का पेस्ट जो है वो हमने भून के बनाया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। पहले यहाँ पे मैंने ये 1/4 चम्मच हल्दी लिया है और ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च लिया है, वो ऐड कर देंगे। मिर्च का प्रपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है और 1/2 चम्मच ये मीट मसाला लिया है, उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें नॉन वेज का कुछ ये नहीं रहता, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन मसाला रहता है। इनको अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनते समय हमेशा हल्का हल्का पानी इसमें ऐड करते रहना चाहिए, जिससे मसाले जो है वो जले भी नहीं और अच्छे से भून के रेडी हो जाए। मसालों को मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है और ये देखिए, अब इनसे ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अभी इसमें जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने रेडी किया था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और इन सभी को ऑयल सेपरेट होने तक भून के रेडी कर लेना है। ये देखिए, मसाले जो है वो अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है इनका। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच दही लिया है, वो ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे दही के साथ क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, दही और सारे मसाले जो है वो अच्छे से भुन गए हैं। अभी इस स्टेज पे मैं यहाँ पे 1/2 बोल मटर मैंने लिया है जिसको कि मैंने ब्लांच कर लिया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, वो ऐड कर देंगे।
मिक्स कर लेंगे इनको, और अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे पानी को ऐड करना है, क्योंकि अभी इसमें हम काजू और जो मखाने डालने वाले हैं वो भी पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसका प्रोपोर्शन जो है वो एडजस्ट करना है। अभी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और अभी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक हमने प्याज को भूनते समय भी ऐड किया था। अब इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देंगे। 2 मिनट हो गया है। अब इसमें ये जो मखाने और काजू हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे, और लास्ट में इसमें ये 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिसको कि मैंने गर्म करके और क्रश कर लिया है। काजू मटर और मखाने को 5 से 7 मिनट इस ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक होने देंगे, जिससे कि सारे मसाले जो है वो मटर काजू और मखाने के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 7 मिनट हो गए हैं, चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए कितनी बेहतरीन सब्जी जो है वो बन के रेडी हुई है। अभी इस स्टेज पे इसमें 1/4 चम्मच, एकदम 1/4 चम्मच आपको चीनी ऐड करना है। उससे सारे मसालों का जो टेस्ट रहता है वो बैलेंस हो जाता है, सब्जी मीठी नहीं होगी। आप चिंता नहीं करिए, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के ये रेडी होती है। चीनी के मेल्ट होने तक इसको कुक कर लेना है। इस तरह की ये गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है। अगर आप चाहें, आपको पतली ग्रेवी पसंद हो, तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे काजू मखाना और मटर की पोस्ते वाली सब्जी जो है वो बन के रेडी हो गई। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी टेम्पटिंग सी सब्जी जो है वो बन के रेडी हुई है। तो चलिए इसको फिर सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। इसको आप रोटी, कुलचा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।